लिखते हैं मधुसूदन शारदा कोलकाता से आए हैं कि प्रायः बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ संतों को इस संसार में अनगिनत शारीरिक मानसिक कष्ट दिए हैं और उदाहरण स्वरूप नानक जी अरविंद जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी शंकराचार्य संत कबीर मीराबाई गार्गी एवं वर्तमान में भी कुछ सच्चे संतों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा इस प्रकार के उच्च कोटि के संतों के साथ क्यों होता है? हालांकि इन सब की भावना एवं कर्म विश्व कल्याण को ही हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात यह है, उन्हें कष्ट सच में हुआ ये उनसे आपने पूछा? आप कह रहे हैं उन्हें कष्ट हुआ, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका एक एग्जाम्पल मैं और देती हूं जिसे ये बात स्पष्ट हो। एक आदमी अपने कमरे में सो रहा था, सोते हुए में उसे सपना आया कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, घर में पानी भर गया है, नदी नाले सब भर गए हैं, सब घर डूब रहे हैं, सारा गांव डूब गया है, सब पेड़ भी डूब गए हैं, पशु डूब गए हैं, मनुष्य डूब गए हैं और पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं और वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे मेरे घर ले जाओ। और उस पानी में बड़े बड़े सांप हैं, मगरमच्छ हैं और बड़े भयंकर भयंकर जीव जंतु है जो बस सब खाने को दौड़ रहे हैं। अब वो स्वप्न में ये सब कुछ देख रहा है, सो रहा है जमीन पे, स्वप्न में ये सब देख रहा है। एक दूसरा आदमी जो जगा हुआ है, खड़ा है, इस सोते हुए और बड़बड़ाते हुए आदमी को देख रहा है और वो कह रहा है बचाओ बचाओ, ये मछली से बचाओ, शार्क आ गई खा जाएगी, मुझे मेरे घर ले जाओ, मैं तो डूब रहा हूँ, मुझे कोई बचाओ, हे भगवान कहाँ हो तुम, हे भगवान मेरी माँ मेरे बच्चे, वो बोल रहा है, वो रो रहा है। और जो आदमी खड़ा है वो देख रहा है उसको और वो कहता है अरे पागल, कोई नदी नहीं है, कहीं नहीं डूब रहे तुम, कोई मच्छी नहीं है, कोई मगरमच्छ नहीं, कोई सांप नहीं, कुछ नहीं है। पर जो सोया है, जो नींद में है, जो सपना देख रहा है, उसको जागे हुए की बात सुनाई नहीं दे रही। अब जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए वो सच है और जो जागा हुआ है उसके लिए ये सच है कि यहां कोई बाढ़ नहीं है, कोई मछली नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। तो उसने बार बार कहा तो सुना नहीं। फिर इस जागे व्यक्ति ने सोए हुए को जोर से हिलाया, अरे उठ, देख तू अपने घर में ही है और कोई बाढ़ नहीं है और कोई जीव जंतु नहीं है। तो जागा हुआ व्यक्ति जो कह रहा है वो सोए हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है और सोया हुआ व्यक्ति जो कुछ देख रहा है वो सब कुछ सत्य नहीं है। सोया हुआ आदमी जब जागा तो वो कहता अरे आपने मुझे बचा लिया। जागे हुए ने कहा किससे? बोले मछलियों से। पर मछलियां तो थी नहीं। बोले शार्क से। बोले शार्क तो थी नहीं। बाढ़ से? बोले बाढ़ थी नहीं। नदी से? बोले नदी थी नहीं। जब आप चिल्लाते हो दुख है संसार में, दुख है दुख है दुख है दुख है दुख है, दुख का स्वप्न है। और जिसे हम जागृत व्यक्ति कहते हैं वो है जो अपने आप में जागृत है, जिसको पता है कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। लाइक द ड्रीम वर्ल्ड विच यू सी इट्स नॉट ट्रू, बट वेन द ड्रीम इज हैपनिंग It seems so real. But for the person who is watching that dream and the person who is wakened up, who is awake, fully awake, for that person, there is no bad thing happening.
ये सत्य है। पंचम नानक श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को शिकायत करके विरोधियों ने जहांगीर के ऑर्डर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया या तो आप मुस्लिम हो जाइए, इस्लाम कबूल करिए, नहीं तो आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखिए हम इस्लाम तो कबूल करेंगे नहीं, बाकी आपने जो करना है सो कर लो। ऐलान कर दिया कि ठीक है फिर कल इनको एक बड़ा सा तवा रखा जाए, आग जलाई जाए और जैसे रोटी सेकते हैं तवे पर ऐसे इन्हें तवे पर बैठाइए और नीचे आग जलाइए, कष्ट दीजिए इनको। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इनके सारे शिष्य, इनके सारे जो मुरीद हैं, इनके जो सारे भक्त हैं, ऑटोमेटिकली वो भी सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, ऐसा उनका सोचना था। ये बात साईं मियां मीर जी तक पहुंची। ये वो सूफी फकीर थे जिन्होंने अमृतसर हरिमंदर साहब की नींव रखी थी, क्योंकि जब नींव रखने का वक्त आया था तब गुरुदेव ने खास इनको निमंत्रण दिया और कहा साईं जी आपके हाथ से हम इसकी नींव रखाएंगे। क्योंकि गुरु नानक का मिशन एक ही था कि सबको उनकी जातियों, धर्मों और मजहबों से ऊंचे उठ के एक गुरु का प्रेमी, एक ईश्वर का प्रेमी बनाने की है, लोगों के मन से द्वेष मिटाने की है, लोगों के मन से नफरतों को दूर करने की मंशा है। वो खुद कर सकते थे लेकिन उन्होंने साईं जी को बुलाया और साईं जी के हाथ से हरिमंदर साहब की नींव रखी गई थी। अब बड़ा गहरा रिश्ता है। जैसे ही साईं जी को मालूम हुआ कि उनका जो सुल्तान है उसने ऐसा ऑर्डर निकाल दिया है गुरु साहब के लिए इतना कष्ट भारी तसीहा देने का, यातना देने का ये प्रबंध कर रहे हैं, तो वो उसी रात जेल में पहुंच गए और गुरु साहब से उन्होंने कहा कि आप बस एक बार हुक्म करिए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे सूफी संत को, आप जैसे फकीर को, आप जैसे पहुंचे हुए गुरु के लिए ये पागल राजा ऐसा सोच भी कैसे सकता है, आप बस एक बार हुक्म करिए, मैं ऐसा श्राप दूंगा कि इन मुगलों की ईंट से ईंट बच जाएगी, कुछ करना ना होगा, मैं तो सिर्फ एक कलमा पढ़ूंगा और ऐसा श्राप दूंगा कि ये तो मर जाएगा। बड़े क्रोध से साईं जी ने ये बात कही तो गुरुदेव शांति की मूर्ति हैं, बड़े मीठे स्वर से, बड़े प्यार से साईं मियां मीर को कहा गुरुदेव ने, साईं जी आपको क्या लगता है अगर हम चाहें तो ये काम क्या हम नहीं कर सकते? पर ये काम हमें करना नहीं है, और जो काम मैं नहीं करूंगा उस काम को मैं आपको करने के लिए कैसे इजाजत दे सकता? साईं जी के आंख में आंसू आ गए, पर क्या आप जानते हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? गुरुदेव ने कहा जो होगा मेरे मालिक की रजा में होगा। अगर मेरे मालिक की रजा यह है कि मैं तवे पर बैठाया रहूं तो ये अर्जुन उससे इनकार नहीं करेगा, मैं तो उसका हूं, जो होगा मेरे जीवन में उसकी मर्जी से होगा। तो फिर तेरा किया मीठा लगे, जो वो करेगा मेरे लिए वही मीठा है, मुझे स्वीकार है। जेठ माह, यही जो जून निकला है, इसी जून माह में तपती हुई गर्मी में एक तवे के ऊपर उन्हें सच में बैठा दिया गया और जुल्म करने वालों की बस इतने में ही बस नहीं करी, उन्होंने दूसरे कड़ाहे में रेत को गर्म करवाया गया। और आप अगर जानते हो आग सीधे जितना जलाती है उससे दुगना गर्म रेत जला देती है। एक बड़े से कड़ाहे में रेत को गर्म किया गया और वो रेत के कड़छे भर भर के उनके शीश पे डाले गए। नीचे से आग जल रही है, उनका जिस्म कैसे तार तार हो रहा होगा उस आग से, और उनके सिर पर ये गर्म की गई रेत डाली जा रही है और शांति की मूर्ति पंचम नानक
श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये सब सहन करते रहे। साई मियां मीर की ऑप्शन है उनके पास, खुद उनकी शक्ति है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद वो चूज करते हैं, वो चुनते हैं कि जो मेरा प्रभु करे मेरे लिए मुझे उस पर एतराज नहीं है, जो मेरा गुरु कहे मुझे उससे कभी इनकार नहीं है। मैं गुरु का हूं, मैं प्रभु का हूं, जो होगा जैसा भी होगा मुझे सब स्वीकार है। दिन भर उनको इस तवे पर बैठाया गया इस इंतजार में कि ये हाय करेंगे और ये रोएंगे और ये कहेंगे कि हाँ हाँ इस्लाम कबूल है, पर ऐसी आवाज उन्हें सुनने को नहीं मिली। जालिमों का मन इतने से भी नहीं भरा। फिर उन्होंने तय किया कि अब अगले दिन एक बड़े से देग में, एक बड़े से पतीले में पानी भर के उबालिए और उस उबलते हुए पानी में इसको बैठा दीजिए। ये जो गुरु है, जो अपने आप को गुरु समझता है, देखते हैं कितना बर्दाश्त करेगा। तवे पर जिसको बैठाया गया हो, रेत सिर में जिसके डाली गई हो, उसका शरीर कितना घायल हुआ होगा, और फिर उसी शरीर को अगले दिन फिर उन्होंने इस उबलते हुए पानी के अंदर बैठा दिया था। गुरु उसमें बैठे रहे, शांति की मूर्ति गुरुदेव ना आवाज करते हैं, ना हाय करते हैं, ना चीखते हैं, ना बंद करो कहते हैं, ना अपने जालिमों की उस बात को मानते हैं कि मुझे इस्लाम कबूल है और मैं छोड़ देता हूं अपने गुरु नानक की राह को। कहते कबूल है, तुम जो चाहो सो कर लो, पर मैं नहीं बदल सकता। तीसरे दिन जब उन्होंने देखा कि तवे से नहीं, तवे के इस आग से तप गए, ये झुके नहीं है, ये गर्म पानी में उबाले गए हैं, ये टूटे नहीं हैं, फिर उन्होंने कहा, एक और फरमान निकाल दिया, मरी हुई गाय के चमड़े में इसके शरीर को कस के लपेट दो। पूरा शरीर जख्मी है, जला हुआ है, पूरे शरीर में फफोले हैं, उबलते हुए पानी में बैठे रहने की वजह से पूरे शरीर में फफोले हैं। उस फफोले से भरे हुए शरीर पर अगर मांस को लपेटा जाएगा, ज्यों ज्यों मांस सूखेगा त्यों त्यों फफोले फूटेंगे, त्यों त्यों ए अंतहीन कष्ट और दर्द और दुख उनको सहना पड़ेगा, और फिर अपने आप मजबूर होके कहेंगे कि मंजूर है, कह देंगे, फिर ये टूट जाएंगे अपने आप से। कहते हैं गुरुदेव जेल में थे जब उनके कान में ये बात पहुंची, उन्होंने कहा तुम जो चाहो सो करो, पर एक छोटी सी विनती है, मुझे स्नान करना, मुझे स्नान करना। सैनिक ले गए दरिया तलक और कहते हैं दरिया में स्नान करने को गए फिर बाहर नहीं आए। अब प्रश्न ये उठता है, बड़ी विचार हुई इसके ऊपर, त्राही त्राही हो गई सारी संगत में कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों। फिर किसी ने समझाया कि गुरु ने ये कदम क्यों उठाया, मेरे इस एक शरीर को कष्ट पहुंचाने के वास्ते एक मासूम गाय को ये मारेंगे, अब मुझे दे रहे कष्ट मैंने सह लिए, क्या मेरे कारण एक गाय को मारेंगे, ये मेरी वजह से किसी जीव का शरीर जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। आइए, उन्हें मालूम था कि शरीर जब तक जिंदा है ये ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पर अब तो हद हो गई, ये मेरी वजह से किसी और प्राणी की और गाय की हत्या करेंगे ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए इस शरीर को मैं स्व इच्छा से छोड़ता हूं। स्व इच्छा से नदी के जल में शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन गुरु से जब पूछा गया था, असाई मियां मीर कहते हर रात आते थे पूछने के लिए, और वो जब भी सवाल करते और वो रोते देख के उनके शरीर की इस दयनीय अवस्था को, वो रोते देख के,
और वो उतनी बार कहते अब तो हाँ कह दो, इन मुगलों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, एक बार हाँ कह दो। और गुरु हर बार कहते तेरा किया मीठा लगे, जो ईश्वर कर रहे हैं वो मेरे को स्वीकार है, वो मेरे को मीठा है, कोई किंतु परंतु नहीं। ज्ञानी की अवस्था शरीर के कष्टों से, शरीर के दुखों से बहुत ऊंची होती। और जो अपने शरीर के कष्टों में रोने लग जाए और तड़पने लग जाए और हाय तौबा मचा दे और कहे ये दुख कैसे दूर हो, दूर हो, दूर हो ये दुख, जिसे इनकार है, जिसे एतराज है, वो ज्ञानी कैसा, वो संत कैसा। तो आपकी दृष्टि से वो कठोर हो सकता है, पर उनकी दृष्टि से स्वप्न, उनकी दृष्टि से वो सिर्फ एक स्वप्न है। स्वप्न में देखी गई बाढ़ की सच्चाई ये है कि बाढ़ है नहीं, पर जब दिख रही होती है तब तो वो सत्य ही लगती है, पर जो जागा हुआ है उसके लिए वो सच नहीं है। इसलिए संत महात्मा के जीवन में आए हुए दुख से तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने समस्त कष्टों को ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार करता। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं, ये कहीं पर किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण होए, चाहे वो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी होए, चाहे वो कबीर साहब की वाणी होए या किसी अन्य महात्मा की वाणी होए, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि जो भजन करेगा, जो ईश्वर को याद करेगा, उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा तो कहीं नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। बहुत जरूरी बात है ये समझ लेना, सब सुख हो, सब अच्छा हो और तुम कहो हम भगवान को मानते हैं, बड़ी बात नहीं है। जब सब तुम्हारे विपरीत हो, सब तकलीफ दे हो, सब उल्टा हो, सब खराब हो, सब दुख का अंबार तुम्हारे आसपास हो, फिर भी ईश्वर में विश्वास हो, ये विश्वास सच्चा विश्वास। बिलीव इन गॉड शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम योर कन्वीनियंसेस। When everything is good and hunky-dory and you say, oh yes, my God is there with me. Sukrat ne shikayat nahi ki. Al-Hillaj Mansur ne shikayat nahi ki. Nahi ki shikayat. Zeher diya gaya Sukrat ko, pi gaye, haste huye pi gaye. Mansur ki gardan kaati gayi, katwa li. Anal Haq bola, gardan kat gayi. Katti to kat jaye, kyunki deh mein hoon nahi. जिसे ये मारेंगे मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उस तक तलवार पहुंचेगी नहीं, तो काट लो तुमने काटनी है तो। कब डरे संत कभी भी अपनी मौत से? कब घबराए संत कभी भी अपने जीवन में आए हुए दुखों से? मैं एक शेर पढ़ रही थी, कौन कहता है कि मौत उसको मार देगी, कौन कहता है कि मौत आएगी और वो मर जाएगा, कौन कहता है कि मौत आएगी और वो मर जाएगा, वो कतरा है एक सिर्फ सागर में मिल जाएगा। कतरा मरता नहीं, सागर में मिल जाता है, कतरा सागर हो जाता है। When a drop merges in the ocean, it is not death of that drop, it is that the drop has become the ocean now. अज्ञानी की दृष्टि से वो बूंद मर रही है, ज्ञानी की दृष्टि से बूंद सागर में मिल रही है। तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है, जिसे तुम दुख कहते हो संत उसे प्रारब्ध मानते हैं, जिसे तुम सच कहते हो ज्ञानी उसे मिथ्या जानते हैं, जिसे तुम मरना कहते हो ज्ञानी उसको दृश्य का बदल जाना कहते हैं।
तो दृष्टिकोण का भेद हो गया. हाउ यू सी द थिंग्स दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड फील दोज थिंग्स. महात्मा वो है जिसके लिए देह का जीते रहना या मर जाना अब कोई बड़ी बात नहीं. संसार की वाहवाही हो जाए या संसार मारे उसको जूता, उसकी उसको परवाह नहीं है. और जिसे परवाह है संत नहीं है.